हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ईएसआईसी यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हुआ था, और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं या आपने अटेम्प्ट्स इस तरीके से किए हैं या आप बाहर हो सकते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो कि है आपकी एसबीआई क्लर्क की। लेकिन उसके साथ साथ आपका ईएसआईसी एमटीएस का भी एग्जाम मई में शेड्यूल्ड है, एसएसओ का भी है, और उसके बाद एसबीआई क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन भी उसी टाइम आपका आने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका कब आउट होगा, क्योंकि आप सभी बहुत ही बेसब्री से इसका वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है। मे बी आपका अप्रैल लास्ट में आएगा, लेकिन लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी 5000 थी, इस बार लगभग आपकी 4300 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब यहां पर मैं आपके लिए एक चीज और क्लियर कर दूं कि ऑलरेडी मैंने सिडबी ग्रेड ए और ईसीजीसी पीओ का मैंने नोटिफिकेशन की डेट बताई हुई थी, जो कि उसी टाइम पे ही निकली जो कि मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, इवन जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की एसबीआई क्लर्क की। तो यहाँ पर आपका सेक्शनल कट ऑफ आपका बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट कमजोर है, मान लीजिए किसी का रीजनिंग, किसी का इंग्लिश कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे प्रीलिम्स में आपके सिर्फ तीन सब्जेक्ट आते हैं, पहला आपका रीजनिंग आता है, दूसरा आपका आता है क्वांट, तीसरा आपका इंग्लिश। फिर मेंस में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और जीएस में जो आती है वो लगभग आपकी करंट और बैंकिंग से रिलेटेड आपकी रहती है, जिसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्लर्क का एग्जाम निकाल लेते हैं। अब ये तो आपका हो गया कि भाई क्या चीज करनी, क्या चीज है क्या नहीं है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए है कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं, जैसा आरबीआई असिस्टेंट में आपने देखा होगा कि अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो सेंटर भी आपका वहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका होगा। अब यहाँ पे जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये आता है कि उनको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो यही सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकती हैं। बस मेन जो प्रॉब्लम है वो आपकी है लैंग्वेज टेस्ट की। अब लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको देने जाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें आपका हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, क्योंकि आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती होंगी, तो हिंदी और इंग्लिश वाले स्टेट्स को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है उनकी क्या क्या कट ऑफ रहती है, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ है, किस स्टेट में ज्यादा आती है, किस में कम रहती है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो राइट साइड में आई बटन में वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब आप लैंग्वेज टेस्ट के लिए जाते हैं तो कई सारे ऐसे लोग सोचते हैं अरे यार टफ लैंग्वेज टेस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। सिर्फ वहां पर आपको क्या होता है कि एक बेसिक आपको एक पैरा दिया जाता है, उसको एक तरीके से आपको बोल के पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत और भी क्रॉस चेक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा उतना टफ नहीं होता जैसा आप लोग सोचते हो कि नहीं इतना ज्यादा टफ होता है, ठीक है। तो मे बी अगर आप चाहो तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज टेस्ट भी एक तरीके से पास कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, क्योंकि लास्ट ईयर की जो बात करें तो गुजरात में सबसे कम प्रीलिम्स में भी कट ऑफ गई थी और मेंस में भी गई थी, और लास्ट ईयर पेपर आपका बहुत इजी आया था, ठीक है। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट जो एसबीआई क्लर्क के लिए वेट कर रहे हैं, आप अभी से प्रिपरेशन करते रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पे फटाफट से बता दिया जाएगा बाकी किस तरीके से फॉर्म भरना है, आगे क्या क्या डेट्स आपकी रहेंगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, किस सब्जेक्ट को कैसे क्या पढ़ना है, वो इस चैनल पे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो जो लाल वाला बटन उस पर आप चाहे अंगूठा वो करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ओके।